गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सर सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर के चौथी वीडियो में आज हम पढ़ेंगे वर्ब मुझे पता है कि इससे पहले आपने वर्ब के बारे में सुना होगा वर्ब क्या होता है वर्ब होता है काम काम को वर्ब कहते हैं व्हाट इज़ अ वर्ब वर्ब का डेफिनेशन क्या है अ वर्ड विच एक्सप्रेसिस एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग टर्म्ड एज वर्फ यानी एक ऐसा वर्ड जिस जो एक्शन दिखाता है या स्टेट ऑफ बींग दिखाता है वर्फ को आप क्या कह सकते हैं वर्फ के लिए दूसरा एक वर्ड है एक्शन वर्ड से आप एक सिंपली एक्शन वर्ड यानी काम करने वाला वर्ड भी कहेंगे लफ्ज़ भी कहेंगे जिससे काम ज़ाहिर होता है उसे भी आप वर्फ कह सकते हैं जैसे कि रन प्ले तो रन यानी दौड़ा और प्ले या वॉक टॉक ये भी क्या है वर्ब है अ वर्ब अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल एक और एक है अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच ही सेज समिंग अबाउट अ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है वो भी क्या है एक वर्ब है अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ वर्ब्स टाइप्स ऑफ वर्ब्स क्या है ट्रांजिटिव वर्ब पहला क्या है ट्रांजिटिव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसा फॉर्म फॉर्म ऑफ वर्ब है जिस जो जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है यानी मफूल की ज़रूरत होती है उसका फार्मूला क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी इसमें ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है इसका सेंटेंस यानी इसका एग्जाम्पल क्या है सना हैज़ टेकन फूड समीर कैन डू दिस वर्क अगर ये देखे कहेंगे तो सना हैज़ टेकन फूड तो ये सना हैज टेकन टेकन क्या है वर्ब है फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है ये इसके साथ रहेगा इसलिए ये ट्रांजेटिव वर्ब है समीर कैन डू दिस वर्क तो समीर कैन डू दिस वर्क तो वर्क क्या है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर डू क्या है ये वर्ब है तो इस तरीके से ये ट्रांज़ट वर्ब है दूसरा टाइप क्या है इन वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलेंगे अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच नीड एन ऑब्जेक्ट यानी एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है मफूल की जरूरत नहीं है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी दो वर्ड भी रहेंगे तो ये सेंटेंस बन जाता है दे स्पीक इसका पहला एग्जाम्पल यानी वो बोले अरुणा कुक्स अरुणा पकाती है क्या अब यह यहाँ पर क्या पकाती है ये नहीं दिया हुआ है पहले इसमें ऑब्जेक्ट था इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है चलिए अब देखते हैं वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म क्या होता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या कहते हैं इन्फिनेटिव अ वर्ब फॉर्म विच इज़ इन ओरिजिनल फॉर्म इज़ टर्म्ड एज़ इन्फिनेटिव अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है टू रीड टू जम्प टू रन टू कुक टू प्ले टू राइट ये क्या है इन्फिनेटिव है जिसमें टू लगता है इसे टू फॉर्म भी कहते हैं एग्जाम्पल्स यानी इसके एग्जाम्पल कैसे रहेंगे जैसे कि इट इज़ ईजी टू ब्लेम यानी क्या कह रहे हैं टू ब्लेम यूज़ किया है इट इज़ इजी टू ब्लेम समन दूसरा टाइगर इज रेडी टू रेडी टू जम्प अक्रॉस द रिंग ऑफ फायर यानी टाइगर है तो जंप करने के लिए तैयार है रिंग ऑफ फायर के दीफ इज़ ट्राइंग टू रन अवे अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं टू रन अवे फ्रॉम द प्रीजन उसके बाद मदर टोल्ड सुषमा टू कुक ग्रेवी टू कुक यानी पकाने के लिए कहा उसके बाद रोहित शर्मा वेंट टू प्ले क्रिकेट तो रोहित शर्मा क्रिकेट खेलने गया तो ये क्या है इन्फिनेटिव है नेक्स्ट वर्ब फॉर्म्स अब ये वर्ब फॉर्मेशन जो होता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब फॉर्म तो स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होता है पहले ये देखेंगे व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ब इफ़ अ वर्ब फॉर्म डेट इफ अ वर्क फॉर्म द पास इन्स बाय चेंजिंग द इनसाइड वावेल क्या क्या चेंज कर रहे हैं इन साइड वावे ऑफ द प्रजेंट एंड विदाउट एडिंग डी और ई डी और टी इट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ब यानी डी ई डी या टी जिसमें ऐड करके कोई वर्क का को फॉर्म चेंज नहीं कर रहा है तो वो क्या बनेगा वो वीक बने, वर्क बनेगा वो स्ट्रॉन्ग वर्क बनेगा उसके एग्जाम्पल क्या है जैसे कि राइट रोट रिटर्न राइट में आई क्या है वॉवल है और उसका पास्ट फॉर्म बना रहे तो क्या लगाए हमने ओ लगाए तो ये क्या हो जाएगा राइट right में रोट लगा है. लिखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है जैसे स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीक में ई e, ए जो है ये क्या है वॉवल है तो यहाँ पर स्पोक में वॉवल क्या है ओ है वैसे ड्राइव ड्राइव में आई वॉवेल है ड्रो ड्रो में क्या वॉवेल है ओ वॉवेल है ड्राइव ड्रो ड्रीवन इस तरीके से बनेगा वीक वर् फॉर्म क्या है देखते हैं वीक वर्क फॉर्म क्या है वाट इज अ वीक वर्ब इफ अ वर्ब रिक्वायर्स डी और ई डी टू एड क्या लग, क्या लगता है डी ई लगता है या टी लगता है टू बी एडिड टू द प्रेजेंटेंस टू फॉर्म द पास्ट विद और विदाउट एनी चेंज ऑफ द इनसाइड वर्म डेज वीक वर्ब उसे वीक वर्ब कहते हैं एग्जाम्पल क्या है इसकी प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट में बनाना या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बनाना है तो क्या होना टाक Talk को टॉक्ड यानी ई डी लगाया टॉक्ड थर्ड फॉर्म में भी यानी पास्ट पार्टिसिपल में भी ई डी लगाया वॉक वॉक्ड वॉक्ड यहाँ पर भी ई डी लगाया डेस्क्राइब में डेस्क्राइब में सिर्फ डी लगाया डेस्क्राइब डेस्क्राइब्ड डेस्क्राइब्ड सेंड सेंट सेंट सेंड में से डी निकाल दिया और टी लगाया तो इस तरीके से ये वीक वर फॉर्म बन गया है तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो लेकर हम आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के और ग्रामर के तब तक के लिए गुड बाय